संगठन पर्व सदस्यता अभियान की मंडल कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को नई मंडी सभागार में हुआ। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई। जिले में जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को प्राथमिक सदस्य बनाकर सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान मंत्री बहुगुणा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है। युवाओं और समाज के सभी वर्गों से जुड़ने के लिए पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप के जरिए सभी को सदस्य बनाना है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, भाजपा नेता सुखदेव सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष आदेश चौहान मौजूद रहे। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। सदस्यता हमारा पर्व है, 2024 को शुरू हुआ है। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 तारीख को सदस्यता ग्रहण करवाई। उसके बाद 3 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखदेव धामी जी को बीजेपी कार्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कराई। और उसी क्रम में कल जिला उधम सिंह नगर में कमल जिंदल जी ने मुझको और हमारे साथ साथियों को सदस्यता ग्रहण कराई। आज हमने सितारगंज में इसके अभियान को शुरू किया है। पार्टी का एक बहुत स्पष्ट मत है, 10 करोड़ पूरे देश में नए सदस्यों को जोड़ने हैं। और उसके साथ साथ जैसे उधम सिंह नगर में हमारे 780 उम्मीदवार 94 शक्ति केंद्र हैं, हर बूथ पे मिनिमम हमको 200 से 300 सदस्य जोड़ेंगे ताकि पार्टी की विचारधारा बढ़ सके। नए जो युवा लोग हैं वो देश निर्माण में सहभागिता दे सकें, उनको विचारधारा से जोड़ा जा सके। और पूरा पूरी उम्मीद है, लक्ष्य हमने सितारगंज में रखा है, उसको हम पूर्ण भी करेंगे। और इसी पर्व के साथ साथ हम पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम जोड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे आने वाला समय है देश का, जिसको माननीय मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसमें कहीं ना कहीं जो युवा हमसे जुड़ेगा वो अपनी सहभागिता।